खानी चटनी चाट के उंगली काट के मोमो बढ़िया मोमो बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, हॉर्स राइडिंग कर लो। आरडीएक्स पे बैठा हूँ मैं, आरडीएक्स पे। भैया इसका नाम आरडीएक्स कैसे डला? इसका नाम आरडीएक्स कैसे आया? छोड़ दो, आप छोड़ दो, देखते होंगे। नाम डेंजर लग सकते हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपके? मजा आ रहा है? इस घोड़े को थोड़ी सी नींद आ रही है, मगर इसका नाम है फ्लाइंग जट। फ्लाइंग जट, ये हमारा फ्लाइंग जट। ये है हमारा आलीशान, ये है आलीशान, और ये हमारा जिस पे हम बैठे थे। आरडीएक्स है ये, आरडीएक्स। आंखें देखो आरडीएक्स की। लक्कड़ मंडी वाला ये रास्ता है, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रात को स्नोफॉल हुई है, फ्रेश स्नो है। आगे जाके देखते हैं कि और है कि नहीं। यहाँ पड़ी है सही स्नोफॉल। ज्यादा नहीं, थोड़ी है, बट ये थोड़ी भी बहुत अच्छी है हमारे लिए। अभी तक हमें बर्फ़ नहीं दिखी थी, तब हमें थोड़ी थोड़ी बर्फ भी दिख गई। जिस चीज़ का इंतजार था दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बर्फीली वादियों में, जहां वो लिमिटेड स्नो है। मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है? तो गाइज, आपने हमें ये सोचा होगा कि मैं डलहौजी आया, और मैंने आपको डलहौजी की ही मेन मार्केट नहीं दिखाई। तो आज हमारे घर जाने का दिन है, और हम डलहौजी के रास्ते से ही वापस जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में डलहौजी नहीं दिखाया, क्योंकि हम भी एंड में ही ट्रैवल करते और एंड में ही मार्केट एक्सप्लोर करते। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ की तिब्बतन मार्केट। सो दिस इज़ इंडो तिब्बतन मार्केट। बहुत अच्छी मार्केट है ये यहाँ पे। तो अब GoPro से बेसिकली मैं फ़ोन पे शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि GoPro के अंदर मेमोरी की प्रॉब्लम आ गई। थोड़ी सी शॉप्स यहाँ पे बंद भी हैं, थोड़ी सी क्या, काफ़ी शॉप्स बंद हैं यहाँ पे। पूछी वो देख तू आ, दो मिनट में सब चला। हेयर बैंड्स यू वांट टू गो फॉर दिस? ये वाला देख, ये वाला पहनने के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ये कलर्स भी हैं। अब हम इंडो तिब्बतन मार्केट से निकल चुके हैं, और वी आर गोइंग टूवर्ड्स गांधी चौक, विच इज़ ऑल्सो नोन एज GPO।
GPO basically stands for जर्नल पोस्ट ऑफिस आई थिंक, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता बट है तो यही। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है बीच में चौराहे के, और हम अपने मामू के घर गए थे वो यहाँ से, ये नीचे जो रोड जाती है यहाँ से गए थे, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लोहाली। लोहाली तीन लोहाली के अंदर डिवाइडेड है, विच इज़ 1, 2 and 3। सो ये ऐसे बना रखी है, अपर लोहाली, मिडल लोहाली एंड जो सबसे नीचे वाली लोहाली है। गांधी जी की एक मूर्ति लगा रखी है चौराहे के बीचम बीच, और हमारे जो मेन जो सबसे एक मामा है जिनके आज हम घर गए थे मगर वो अवेलेबल नहीं थे, नॉट आज, 2-3 दिन पहले इनके घर गए थे जहाँ पे हमने स्टे किया था, उन्होंने इस गांधी जी को माला बना के इसकी ओपनिंग करी थी। मेन जो डलौजी है वहाँ पे, सेंट्रल डलौजी में आ गए हैं, ये सारी शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, और हम अब थोड़ा सा नीचे उतर के जाएंगे टूवर्ड्स लोहाली। खाने पीने का प्लान है, देखते हैं क्या मिलता है। तो कल बेसिकली जो लक्कड़ मंडी है उसके अंदर स्नोफॉल हुई थी जिससे ठंडी हो गई हवा बहुत ज़्यादा, और बहुत ठंड लग रही है, ठंडा ठंडा वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अभी हम कुछ खाएंगे, हमें बहुत भूख लग रही है। सो ब्रेकफास्ट हमने वहीं पर ही किया था जहाँ पर हमने स्टे लिया था अपना बेसिकली, और स्टे करने के बाद वहाँ पर स्टे वॉज वेरी कम्फर्टेबल, इट वॉज़ वेरी गुड एंड इट वॉज़ चीप एज वेल। अब हम फटाफट जा रहे हैं एटीएम से थोड़ा सा कैश निकालेंगे और कुछ खाएंगे, और आपको बताते हैं हम क्या खाएंगे। सुबह सुबह हमने खाए परांठे, परांठे ही अच्छे लगते हैं भाई सुबह सुबह। और बात बता दूं कि एटीएम यहां पे एक ही है, तो यही है पंजाब नेशनल का एटीएम, यहां पे आके ही आपको कैश विड्रॉ कराना पड़ेगा। तो अब हम आ गए हैं खाने पीने, यहाँ पर प्रॉपर खाने पीने का शॉप्स हैं अवेलेबल, आइए और खाइए। गुलाब जामुन में भी वैरायटी रखी हुई है इन्होंने, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, काले वाले और ब्राउन वाले, गजरेला, तो ये बेसिकली यहाँ की मार्केट है, जो मेन मार्केट है यहाँ पे। This is Cafe Dalhousie. बहुत वैरायटी है यहाँ पे खाने पीने की, कुछ ऐसा मत समझना कि यहाँ खाने पीने के लिए नहीं है, बहुत कुछ है यहाँ खाने पीने के लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। ये आप देख रहे हैं डलौजी की मेन मार्केट, प्रॉपर एक हिल स्टेशन पे जो जो होता है सब कुछ है यहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी हिल स्टेशन है। और रोहित, और आज हम अपने लिए लेंगे यहाँ से एक कैब। अब देखो इसके अंदर से कौन सी कैब हमें लेनी चाहिए, आई थिंक आई विल गो फॉर दिस वन, देखते हैं अभी कितने की है। भैया ये कैब कितने की है? ये वाली, ये 150 की सर। अच्छा, ये 100 की होगी। अच्छा, ये रिकॉर्डर है ये वाला। ओके, और ये 250। रोहित, और ये 250 वाली, ये 250 वाली है। दो मिनट दो, भाई लोग आके चलेगा, अभी आके लेता हूँ आके, ठीक है? यही वाली लूंगा बेसिकली मैं, ठीक है? इसमें साइज का भी होता है कोई चक्कर की? मिल जाएंगे साइज, मेरा साइज मिल जाएगा ना। चलो थैंक यू। यहाँ पे आके अपना जैसे नाम वगैरह लिखवाते हैं लोग घर के बाहर लगाने के लिए या अपने रूम में लगाने के लिए। आई थिंक रोहित मोमो कॉर्नर ढूंढ रहा है, यहाँ पे एक बहुत फेमस मोमोज काउंटर था, इसको तो यहाँ का सब पता ही है क्योंकि इसकी नानी का घर ही यहाँ पे है। दिस तंदूरी चाय, चिकन सूप, पास्ताज एंड एवरीथिंग, दीज आर आई थिंक दीज आर द लोकल वाइन्स, एप्रिकॉट वाइन एंड आई थिंक दीज आर द लोकल वाइन्स हेयर, लोकल वाइन्स हैं यहाँ के। क्या प्राइस होता है इस लोकल वाइन का? 400 से 800 की है, और इसकी सेल अच्छी है। ओके
थैंक यू भैया। सो बेसिकली आप अगर नोट करेंगे इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स आएंगे, एप्पल, पीच, पियर, एप्रिकॉट, कीवी। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। यार दिस इज लुकिंग वेरी गुड। ये कितने कितने के हैं भैया? ये 100 वाले हैं। ये सारे 100 के? हाँ जी, ये 300। ये सारा वुडन है ना काम? हाँ जी वुडन है। सारे 100 के हैं। पुछी टेक दिस वन एंड दिस वन टू, वी विल बाय दिस वन एंड दिस वन। ये रियल फ्लावर है जी? ये रियल फ्लावर्स हैं। आई विल बाय दिस वन। ये वाला दे दो भैया एक मेरे को, ये अच्छा लग रहा है। गाइस तो शॉपिंग डन, ये कैप लिया मैंने। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये कैप कैसी लग रही है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी? अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो मैं आपको बताऊंगा ये कितने की है। ये बेसिकली मैंने 100 रुपीज की लिए है। देखिएगा बढ़िया लग रही है। सुपर हिट अल्टीमेट विद दिस रॉ चटनी, घर की बनी हुई एकदम। हाँ जी, खा के बताइए कैसे हैं लड़की? भाई चटनी नहीं पकड़ पाती है। चल ला हम भी ट्राई कर ले। हम ले पकड़। हाउस इट भाई? यहाँ जरूर आना, भैया की फोटो ले ले और भैया का नाम पूछ ले। दिस रॉ चटनी, दिस इज भैया मोमो मेकर। भाई ये चटनी अलग ही है कुछ। ये चटनी दिल्ली में नहीं मिलती, इस रॉ चटनी का बहुत ही बेहतरीन मोमोज है। गांधी चौक से लेफ्ट आइए, दूसरा या तीसरा स्टॉल है भैया का, बहुत ही अमेजिंग है। आइए और खा के देखिए। लाली मोमो, लाली मोमोज। खानी चटनी चाट के उंगली काट के मोमो बढ़िया। मोमो बढ़िया। वे कितना टाइम हो गया दुकान लगाते हुए? 30 साल हो गए। ये चटनी बहुत जबरदस्त है यार, आपके हिला के दिखाना थोड़ी सी। हिला के दिखाना थोड़ी। बीमारी कोई नहीं इसमें। क्या क्या डलता है इसमें? इसमें सिर्फ शिमला मिर्च, गाजर वगैरह सब कुछ देसी चीजें बनाने की। और आपकी दुकान पे किसी ने आना हो तो कैसे है, क्या क्या बोल के आना पड़ेगा? यहाँ पे किसी ने आना है तो ये जरा बताओ लोगों को। मन लगा के चटनी चाट के उंगली काट के मोमो। अच्छा एक बार फिर बोल दो। चटनी चाट के उंगली काट के मोमो। चटनी चाट के उंगली काट के मोमोज। भाई यहाँ पे मोमोज आके खा के देखे, बहुत ही अच्छे मोमोज हैं, एक नंबर है। अभी मैं थोड़ा कुछ खा के आऊंगा और उसके बाद एक प्लेट और खा के जाऊंगा। थैंक यू भैया। सो दिस गाय वॉज वेरी गुड, यू नो। चटनी चाट के उंगली काट के मोमोज, और जो चटनी इन्होंने बनाई है ना, अमेजिंग चटनी। मोमोज तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं, बट जो ये टेस्ट था ना, चटनी का जो टेस्ट था ना, दैट वॉज अमेजिंग। और प्रॉपर जो मोमोज के अंदर स्टफिंग करी हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी। अभी तक मुंह में फ्लेवर्स आ रहे हैं चटनी के, बहुत अमेजिंग चटनी थी। और मोमोज भी अच्छे मोमोज मैंने बहुत जगह खा के देखे हैं, मगर कई जगह में मोमोज वैसे नहीं होते जैसे वो बोलते हैं, वो चीज़ नहीं होती। मगर क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी, मज़ा आ गया खा के। अभी और जाऊँगा और खाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम अपना डलहौजी और ये हिमाचल वाला व्लॉग खत्म करते हैं। चटनी इतनी अच्छी थी, मैंने पैक करा लिया है इनसे, अच्छी खासी पैक कराई है, कम से कम 2-3 दिन तो चली जाएगी। हमारी कार भी आ चुकी है और अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। ठंड बहुत अच्छी है, अभी मौसम बहुत अच्छा है, ज़रूर आइए और यहाँ पे आके एंजॉय करिए। आई होप आपको ये कैप भी अच्छी लग रही होगी, अभी मैंने इसको पहनना सीखा है। तो इसी के साथ अपना व्लॉग खत्म करते हैं। मेरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए अलविदा।